ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि और धनु राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। आज तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन शुभ काम होने की संभावना है। किसी अटके हुए काम की सफलता में आ रही जो रुकावट है वो आज दूर होगी। कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आज बन सकती है। कोशिश कीजिएगा कि आज अपनी वाणी पर आप काबू रखें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, घर में बहुत पड़ती है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपका जो आज का दिन का जो भाग्य है वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, आज के दिन के लिए फलसफा बनाइए कि कोई भी काम छोटा नहीं है, तो जो भी काम करने को मिले वो कीजिएगा, क्योंकि जब तक आज आप काम नहीं करेंगे भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो आज इस फार्मूले को साकार कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मूड को कंट्रोल में रखिएगा, अदरवाइज हाथ में आया हुआ जो अवसर है वो खो देंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, हर कार्य अपनी गति से अपने समय से ही संपन्न होगा, इस बात का ध्यान रखिए। धैर्य और सहनशीलता आज आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को हरा चारा गुड़ अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, हरियाणा से सुशीला जी हैं, जो कि अपनी पुत्री दीपिका के लिए जानना चाहती हैं। दीपिका की जन्म की तारीख है 4/12/1992। उनके जन्म का समय है सुबह का 11 से लेकर 12 बजे के बीच का। सुशीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, ये गुड़िया है ना, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन बीमार बहुत ज्यादा रहती है। क्या हो जाती है हालत उसकी, वजह से अब मरी अब मत। क्या प्रॉब्लम होती इस बिटिया को? बिटिया को वो पता हो, उसके लिए ये जो एलोपैथी दवाई है ये सब पॉइजन की तरह है। उसको थोड़ी सी दे दी किसी पेन में, उसमें तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाती है, उल्टियाँ रुकती ही नहीं उसकी। अच्छा अच्छा, देखिए कभी कुछ होता ही रहता है उसको, खुले ऐसी हालत होती है कि बहुत ही खराब है। और किस क्षेत्र में जाएगी, इसकी क्या कामयाबी है? वैसे पिछले MSc कर ली, फिजिक्स से नेट की कोचिंग ले रही है, तो इसकी लाइफ के बारे में जानना था, क्या लाइफ रहेगी इसकी। जी देखिए सुशीला जी, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है और ये इंटरचेंजेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। सरकारी नौकरी इसको मिल सकती है, सरकारी नौकरी में उच्च पद कोई बच्ची प्राप्त कर सकती है। और आप कोशिश कीजिए कि इस बच्ची को जितने भी गवर्नमेंट कंपटीशन आ रहे हैं उतने गवर्नमेंट कंपटीशन इस बच्ची को फाइट करना चाहिए। ये जितने कंपटीशन देगी कहीं ना कहीं इसका एक वर्ष के अंदर इसका सिलेक्शन हो जाएगा। कुंडली बहुत अच्छी है, इसकी कुंडली में कोई कमी नहीं। समस्या है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जन्म कुंडली में आपको करना क्या है। एक तो चूंकि पितृदोष इसकी जन्म कुंडली में, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन पितृदोष कहलाता है, तो पितृदोष होने के कारण कहीं ना कहीं इसके हेल्थ सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो पितृदोष की शांति के लिए पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए। अमावस्या को अपने पितरों के नाम का भोग लगा के किसी छोटी कन्या को खिला दीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस बच्ची का सोते समय जो सिर है वो पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, पूरब में सिर करके सोए, यानी पांव पश्चिम में और सिर पूरब में, इस डायरेक्शन से इसको सोना। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करवा दीजिएगा, गायों को खिला दीजिएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी से भी विदिन अ 6 मंथ इस बच्ची को मुक्ति मिलेगी और आने वाला समय इसका बहुत अच्छा है। भाग्यशाली बच्ची, आपके घर में एक ये डायमंड हीरा है, जितना आप तराशेंगे ये उतना ही निखरेगा। इस बच्ची की जन्म कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, जो दोष है वो खाली पितृदोष है। वो मैंने आपको बताया कि यदि आप इस पितृदोष की शांति करवा लेते हैं तो ठीक रहेगा। बाकी जन्म कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है, इसकी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। मंगल नीच का इसकी जन्म कुंडली में, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देता है। तो मंगल की शांति के लिए एक तो इसको बोलिएगा कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और लाल कपड़े इसको अवॉइड करने, बहुत ज़्यादा रेड कलर इसको नहीं पहनना, स्पेशली मंगलवार के दिन। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो सुशीला जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आने में थोड़ा समय लग सकता है। ध्यान रखिएगा, आज एक समय में एक ही काम को पूरा कीजिएगा और वो भी पूरे फोकस के साथ में, जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हर सिचुएशन को लेन देन के नज़रिए से मत देखिएगा, कुछ चीज़ें लेन देन से परी होती है, ध्यान रखिए। आपके जीवन में जो कमियां हैं उन पर कंसंट्रेट करने की बजाय जो अच्छी बातें हैं आपके अंदर उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, उन्हें देखिए और आज वही करें जो आपको उचित लगता हो। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ परेशानियां हो सकती है किंतु ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए रिश्तों का आरंभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी हैं जैसलमेर से, जो कि अपने बेटे भरत के लिए जाना चाहते हैं। भरत की जन्म की तारीख है 18/3/1993 और जन्म का समय है सुबह का 11 बजे का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी जय श्री कृष्ण, प्रणाम, बगे लगो, शुभ आशीर्वाद। महेंद्र जी, जैसलमेर गर्मी बहुत पड़ रही है, सब ठीक, राजी खुशी? ठीक है सर, 48-49 है अभी तो हाल फिलहाल, तो अभी आंधी से थोड़ा ठीक है। बच्चे के बारे में पूछ रहा था, वो जिद्दी बहुत है, पढ़ाई नहीं कर रहा अभी हाल फिलहाल, उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। अभी कहाँ, जयपुर है या वहीं आपके पास? नहीं, यहाँ पे आ गया अभी 3-4 महीने, गर्मी इसको यहीं रखूंगा, उसके बाद में जयपुर सर्दियों में आएगा। आपके पास बैठा है वो? नहीं अभी बैठा नहीं, बाहर गया हुआ, जिम में गया हुआ। अच्छा, देखिए महेंद्र जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली जैसे हमने आपको बताया, इसका एक अच्छा समय शुरू हो चुका है। 2016-17-18 तीन साल इसकी लाइफ के गोल्डन ईयर हैं, जहां इसके सरकारी नौकरी में जाने के पूरे पूरे योग बनते हैं। क्योंकि केतु होने के कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, तो इस बच्चे को थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि ये बच्चा इस बात को माने कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा समय है, तो अभी तो मैं कल विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, वहाँ से आ जाऊँ तो एक बार इस बच्चे से मेरी आप बात करा दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा इससे बात कर लूँगा। बाकी कुंडली अच्छी, एक काम और कीजिएगा, एक इसका चूँकि शनि जो है वो थोड़ा सा डाउन है, तो आप इसको बोलिए एक तो शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर में जाएं, रात को सोते समय इसके सिरहाने के पास में अनाज भर के रख दीजिए एक कटोरी में, एक दो मुट्ठी, और सुबह उसको पक्षियों को खिला दीजिए। ऐसा आप लगातार 40 दिन तक कीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी है, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गुड लक टिप में आज क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। दोस्तों, गुड लक टिप बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। अगले 10-12 दिन में विदेश प्रवास में रहने के कारण आपके प्रश्नों का सीधा जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप इस कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा। योग्य आचार्यों के निर्देशन में आपको इस कार्यक्रम में आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, साथ ही वास्तु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एपिसोड भी आप इसमें देख सकते हैं, तो गुड लक टिप देखना मत भूलिएगा। चलिए आइए जानते हैं आज का गुड लक टिप। दोस्तों, घर में छोटी से छोटी वस्तु का अपना ही महत्व होता है। कभी कभी बेकार समझी जाने वाली जो वस्तु है वो भी अपने घर में अपनी उपयोगिता को साबित कर देती है। गृहस्थी में रोजाना काम में आने वाली चीजों से भी शकुन अपशकुन जुड़े हुए होते हैं, जो जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं। शकुन शुभ फल देते हैं, वहीं अपशकुन जो है इंसान को आने वाले संकटों से सावधान करते हैं। तो आज मैं आपको आपके घर से जुड़ी दैनिक काम में आने वाली वस्तुओं में से एक चाकू के शकुन अपशकुन के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, चाकू एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना किसी भी घर में काम नहीं चल सकता। इसकी जरूरत हर छोटे छोटे कार्य में पड़ती है, इससे जुड़े भी अनेक शकुन अपशकुन होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही शकुन अपशकुन के बारे में। सबसे पहला, डाइनिंग टेबल के ऊपर छुरी कांटे का क्रॉस करके रखना। कभी भी डाइनिंग टेबल पे जो छुरी कांटे जो हम खाने के काम में लेते हैं उनको क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, इसके कारण घर के सदस्यों में झगड़ा होता है। मेज से चाकू का नीचे गिरना भी शुभ नहीं माना जाता है। चाकू को कभी भी अपने रसोई घर में सीधा मत खड़ा रखिए, उसको उल्टा रखिए। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, तकिए के नीचे रखना अलग चीज है, लेकिन सिरहाने के पास के अंदर चाकू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो तकिए के नीचे चाकू रखना शुभ माना जाता है।
छोटे बच्चों के गले में छोटा सा चाकू डालना भी शुभ माना जाता है। बुरी नज़र से, बुरी दृष्टि से, बुरी आत्माओं से बचाव होता है, रक्षा होती है, और नींद में बच्चे डरते भी नहीं हैं और रोते भी नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको चाकू भेंट कर दे तो उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए उसे एक सिक्का अवश्य दे दीजिए, या कुछ ना कुछ उसको पैसे अवश्य दीजिए। फ्री में कभी भी चाकू नहीं खरीदना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि चाकू जो है वो घर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो डाइनिंग टेबल पे जो हम छुरी काटे रखते हैं वो जगह उसकी प्रॉपर नहीं है, उसको वहाँ से हटा दीजिए। डाइनिंग टेबल पे सिर्फ खाने का सामान होना चाहिए। बाकी रसोई में एक ऐसी जगह बना दीजिए, वो भी आग्नेय कोण अगर हो, वहाँ पर आप ये जितने भी चाकू और छुरी काटे हैं वहाँ पर रखें तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो ये सरल सी बात का ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।